हेलो गाइस, मैं अर्चना आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ताजे ताजे झींगे, मतलब जो बिल्कुल पकड़ के आए हैं गांव से। तो आज मैं इनकी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए कि हम इनकी रेसिपी कैसे बनाते हैं। पहले तो हम इसे मार्केट से परचेस कर लेते हैं, फिर इनकी हम रेसिपी बनाते हैं। तो दोस्तों, ताजे जो झींगे हैं वो हम लेके आ गए हैं मार्केट से। अब इसके अंदर का ये कूड़ा हम साफ़ कर देंगे और फिर इसे हम साफ़ पानी से धुल देंगे, क्योंकि साफ़ पानी से धुलेंगे तभी ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा और साफ़ हो जाएगा। सफाई मेन होती है, सफाई इसकी। और जाली वाली हम डलिया का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जाली वाली डलिया से सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। पहले हम साफ़ पानी से धुल लेंगे इस तरीके से, जिससे सारी गंदगी हमारी साफ़ हो जाएगी झींगा मछली की। तो दोस्तों, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और इसका कूड़ा हम हटा के डाल देंगे, क्योंकि इसमें कूड़ा अधिकतर हो जाता है जब ये पकड़ी जाती है। इसे हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे साफ़ पानी से। झींगा मछली हमारी अच्छी तरीके से साफ़ हो गई है। अब इसकी हम आंखें और थोड़ी सी मूंछ निकाल देंगे। इस तरीके से हमें साफ़ कर लेनी है सारी मछली। देखिए, आंख और मूंछ हम निकाले दे रहे हैं, बाकी सब इसी तरीके से छोड़ देंगे, क्योंकि ये क्रिस्पी हो जाएगी खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो दोस्तों, ये देसी झींगा मछली है, आप इसे एक बार लेके बना के ट्राई ज़रूर करें और साथ में मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है। इस तरीके से हम सारी झींगा मछली साफ़ कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका आपको बता रही हूँ और बहुत ही जल्दी ये साफ़ हो जाएगा। देखिए, बस इस तरीके से हम सारी झींगा मछली साफ़ करके रख लेते हैं। झींगा मछली की आँख और मूँछ हमने निकाल दी है। इस तरीके से देखिए, कितने अच्छी तरीके से सारी हमारी झींगा मछली साफ़ हो गई है। अब इसे हम साफ़ पानी से धुल लेंगे, क्योंकि जब साफ़ पानी से धुल लेंगे तो ये और भी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएंगी। और इसे ध्यान रहे, जाली वाली डलिया में ही साफ़ करें, जिससे इसकी गंदगी सारी नीचे निकलती जाएगी। इस तरीके से हम इसे धुल लेंगे। चलिए, अब हम पहले झींगा मछली को पानी से धुल लेते हैं। झींगा मछली हमारी साफ पानी से साफ हो गई है। अब इसकी हम रेसिपी तैयार करते हैं। अब एक कढ़ाई हम ले लेंगे, इसमें हम 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आधा किलो मतलब 500 ग्राम झींगा मछली ली है, जिससे इसमें हम 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। उसके बाद अभी हमको गैस नहीं जलानी है, हमको सिर्फ सरसों का तेल कढ़ाई में डालना है और झींगा मछली हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि जाली वाली डलिया में रखी थी इसी वजह से इसमें पानी नहीं रहा है। फिर इसमें हम आधा टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा टीस्पून हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे, क्योंकि जितना हमें नमक की ज़रूरत होगी उतना हम नमक का यूज़ करेंगे, और आधा टीस्पून हम गरम मसाला डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि झींगा मछली पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो इस वजह से हमें इसे कच्चे तेल में ही सान के रखना है, जिससे झींगा मछली हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी। हमने सारी झींगा मछली को सान लिया है, अब हम गैस जलाएंगे और इसे हम तेज आंच में पकाएंगे। इसे बिल्कुल भी ढक के नहीं पकाना है, और पहले तो हम 5 मिनट तेज आंच पे पकाएंगे, फिर 2 से 3 मिनट हम स्लो आंच पे पकाएंगे, जिससे बहुत ही अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाएंगी। चलिए, अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, 5 मिनट हो गया है झींगा मछली को अच्छे तरीके से भुनते हुए। अब हम गैस को स्लो कर देंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट और अच्छे तरीके से भून लेंगे, जिससे झींगा मछली हमारी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ये रेसिपी बनाएं और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो दोस्तों, झींगा मछली को मैंने 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे हम सर्विंग बाउल में डालेंगे। उसके बाद हमारी रेसिपी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए, इसे हम सर्विंग बाउल में रखते हैं। तो झींगा मछली हमने सर्विंग बाउल में रख दी है। तो कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी,
अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट तो बिल्कुल लिखना ना भूलें। तो गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू और मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।